ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮೂವಿ ಟೈಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು. ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯುನಿವರ್ಸ್ ಮೇಸ್ಟರ್ಸ್. ಮೈ ಹೂ ನಿಕ್ಕಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಆಪ್ ಸಬ್ ಠೀಕ್ ಹೋ. अभी बहुत दिनों के बाद बाहर निकले हैं बेंगलुरु सिटी में, एंड घूमने नहीं निकले हैं, सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करना था, ग्रोसरी शॉपिंग. तो एज यूजुअल जो प्लेस है लुलू ग्लोबल मॉल्स बेंगलुरु, वहाँ पे जा रहे हैं. एंड एज यूजुअल फ्राइडे का दिन है, पर ट्रैफिक जो है बिल्कुल भी कम नहीं है. सॉरी, आज थर्सडे है, लेकिन फिर भी यहाँ का ट्रैफिक में कोई भी कमी मुझे दिखाई नहीं दे रही है. तो वीकेंड में ज्यादा रश होगा ये सोच के आज थर्सडे को हमने एक छोटी सी छुट्टी ले ली और निकल पड़े, लेकिन सिनेरियो इज सेम. एनीवेज, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ. मैंने कहा ट्रैफिक इज स्टिल देयर, लेकिन ये जो एरिया है ना, ये सेक्शन, ये है बल के बाद वाला सेक्शन है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसे ही रहता है हमेशा. बेंगलुरु के वेदर के बारे में बात की जाए तो देखा ना आपने, जैसे दिख रहा है थोड़ा सा क्लाउडी है और थोड़ा सा सनी भी है, मतलब ज्यादा धूप नहीं है, जस्टेबल धूप है, तो इतना इश्यू नहीं है. लेकिन अभी तक विंटर आया ही नहीं है बेंगलुरु में, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है, वो विंटर वाली फीलिंग आती नहीं है. एंड कभी कभी ना बीच में बारिश भी होती रहती है, तो शायद ऐसे इन क्लाउड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है आज शायद बारिश होगी फिर से. आपके यहाँ पे कैसा है क्लाइमेट? ठंड है, बारिश है या बहुत गर्मी है, बताइए. आपने हमारा कतर का वीडियोस देखा है क्या? बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं चैनल पे, अगर नहीं देखा तो अभी जाके देख लीजिएगा. बहुत कुछ है वंडरफुल थिंग्स, कतर इज रियली 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 ब्यूटीफुल. तो अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि आपको आगे फ्यूचर में कतर जाना है, तो जरूर जाइएगा, क्योंकि बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है. छोटू सा कंट्री है, छोटू सा देश है, लेकिन बहुत प्यारा है. तो प्लीज विजिट आवर चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोस. आपको उसमें सिर्फ ट्रैवल वीडियोस के अलावा बहुत सारे इन्फोज भी मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे जब भी आप ट्रैवल करने का सोचोगे तब. ओके, तो जैसे कि मैंने कहा, ठंड जो है हमें फील नहीं हो रही है, क्योंकि हम शायद कोस्टल एरिया के लोग हैं इसके वजह से. लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ की पब्लिक जो है, ऑलरेडी स्वेटर वगैरह पहनने शुरू कर दिया है. मतलब ये टाइम पे नहीं, एटलीस्ट आई थिंक थोड़ा इवनिंग वगैरह टाइम हो जाता है ना, तो स्वेटर्स मंकी कैप सब पहन के बाहर चलते रहते हैं, पर हमें उतनी ठंड अभी तक महसूस नहीं हो रही है. लेकिन जब भी बैंगलोर में फर्स्ट टाइम आए थे, तभी नवंबर के टाइम पे वगैरह ऐसे लग रहा था कि यार थोड़ा सा ठंड है, लेकिन आई थिंक क्लाइमेट वगैरह चेंज हो रहा है, बारिश का गिरने का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो सब कुछ ना ऐसे पहले जैसा क्लाइमेट था बेंगलुरु में, वैसा तो फील नहीं हो रहा है बिल्कुल भी. तो ठंड किसको पसंद नहीं है. हल्की बेंगलुरु में पहले कैसे हल्की सी ठंड रहती थी, बहुत ही प्यारा क्लाइमेट रहता था. लेकिन अभी एक तो अगर गर्मी होती है, नहीं तो बहुत ज्यादा सनी होता है, नहीं तो फिर बीच बीच में बारिश होती है. बेंगलुरु के लश ग्रीन ट्रीज, ऐसे रोज मुझे बहुत 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 पसंद है. शेडी देखा, क्लाइमेट थोड़ा सा और ज्यादा क्लाउडी हो चुका है. यहाँ से इन 300 मीटर्स मेक ए यू टर्न. विधाना सौदा का वीडियो भी है, हम गए थे वहाँ पे एक बार. ये विंसर ब्रिज, आईटीसी का होटल है इस एरिया में, तो उसका ब्रिज है वो. बेंगलुरु में हर जगह पे ना अभी आपको ऐसे मॉन्यूमेंट्स दिखाई देंगे बना के रखे हुए. पॉश का शोरूम हमेशा मिस हो जाता है, बसेस और लॉरीज वगैरह. टर्न लेफ्ट ऑनटू कुमार कृपा रोड. ओके गूगल माता, कंटिन्यू ऑन कुमार कृपा रोड फॉर 1 किलोमीटर. गाइस एयरपोर्ट बस. मेरा हस्बैंड जी बोल रहे हैं ये एरिया जो है, यहाँ पे सीएम रहते हैं, रेसिडेंशियल एरिया है ये. यहाँ का गोल्फ क्लब. आपको पसंद है क्या ऐसे ट्रीज? बहुत प्यारे लग रहे हैं ना. रोड को ना ये कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल बना रहा है व्यू. अभी तो विंटर सीजन है, अभी स्प्रिंग में वगैरह बहुत सारे फ्लावर्स भी दिखाई देते हैं इस पे, कलरफुल पिंक. इन 400 मीटर्स टर्न राइट ऑन टू हेयर कृष्णा रोड. सॉरी गाइस, बीच बीच में
मैप की इंफॉर्मेशन प्ले होती रहेंगी। एक गुड ट्रेन जा रही है। इसके आसपास वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? पता नहीं क्या के सर थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। सिर्फ 400 मीटर्स है टूवर्ड्स ग्लोबल मॉल्स बेंगलुरु। हमें ना कंटिन्यूसली ऐसा रश ही है, मतलब ऐसा फ्री रोड मिला ही नहीं है हमें। सिर्फ वो हेब्बाल के एरिया में थोड़ा सा फ्री था, बाद में तो सब पूरा ऐसे ही है। इतना रश क्यों है भाई आज? बोली मॉल थोड़ा सा फ्री मिल जाए, है ना। प्लीज ड्राइविंग सो आई वॉज नॉट रिकॉर्डिंग हिम। So we are here finally, Lulu Hypermarket. First things first, तो अभी पार्किंग लॉट में पार्क करना है। चेकिंग चालू है, लोग सामने पीछे डिक्की वगैरह और बोनेट वगैरह देख के पीछे डिक्की वगैरह खोल के चेक करते हैं। इट्स अ गुड थिंग, सिक्योरिटी चेकिंग होना बहुत जरूरी है मॉल्स में वगैरह। We are inside. यहाँ से अभी एक टिकट मिलेगा। नहीं मिला? हाँ यस मिल रहा है। देखिए लेफ्ट स्ट्रेट तो ऐसा एक टिकट मिलता है, तो ये रिटर्न जाने के टाइम पे ना इसे दिखाना है और पैसे पे करने हैं। जितना हम आवर्स स्पेंड करेंगे अंदर उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें पे करना है इनको, जब भी हम एग्जिट करेंगे तभी। कोई कमी नहीं है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट फुल है ये वाला सेक्शन। बार हम रुक ही नहीं रहे बराबर से। फाइनली वी आर इनसाइड द लिफ्ट। वेलकम टू ग्लोबल मॉल्स बेंगलुरु गाइस। चलो देखते हैं क्या क्या नया आया है यहाँ पे। कुछ खाली खाली सा नहीं लग रहा है, शायद दोपहर का टाइम है इसके वजह से। हाँ तो यहाँ पे दिवाली वाली लाइटिंग वगैरह दिख रही है, डेकोरेशन आई मीन, एंड वही सारे शॉप्स एंड एवरीथिंग। ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, लुल्लू का वीडियो दो वीडियोस ऑलरेडी है चैनल पे। एज यूजुअल वही सारे शॉपिंग स्टोर्स वगैरह वगैरह। नया अभी कुछ है ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा है। My hair is looking funny, isn't it? अली वाले डेकोरेशंस थे शायद, प्यारे है ना। लावी एरो R&B, यहाँ पे कोई स्टोर ओपन होने वाला है शायद, बंद है अभी। है जाना है क्या स्टूडियो में? बाटा मेट्रो कोलंबिया। मेनली यहाँ पे आने का मोटिव ये है कि हमें ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, लेकिन उससे पहले सोच लिया कि थोड़ा टहल लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या नए स्टोर्स आ चुके हैं। और यहाँ का जो डेकोरेशन है ना वो मुझे बहुत बढ़िया लगा, दिवाली को लेकर उन्होंने बहुत मस्त डेकोरेशन करके रखा हुआ था, अच्छा है। और अभी हम मैक्स के सामने बैठे हैं। मैक्स इज देयर, लुल्लू का फैशन स्टोर भी है उनका अपना, शायद मैं एक बार गई हूँ वहाँ पे, मैंने कुछ टॉप खरीदा था। यहाँ पे वैन हिस्सन है। व्हाट इज दिस?
यो सो आज ना कंपैरेटिवली क्राउड जो है कम लग रहा है क्योंकि वीकडे है तो ऑब्वियसली बैठे बैठे ना मूवी टिकट्स बुक कर दिए है। अचानक प्लान बन गया, मलयालम मूवी है फैलिमी करके, तो बैठे बैठे ना उसका प्लान बन गया। चलो पहले लुलू हाइपर मार्केट जाते हैं। मूवी जो है ना 1 PM को स्टार्ट होगी, तो उससे पहले थोड़ा सा क्विक स्नैक ही हो जाए, इसलिए लुलू हाइपर मार्केट से हमने चिकन टिक्का रोल ले लिया है। दिखाती हूँ, ये है ग्लोबल मॉल्स वाला फूड कोर्ट। यूजुअली इतना खाली नहीं रहता है, पहली बार इतना खाली देख रही हूँ। बहुत सारे ईटरीज है यहाँ पे। सो दिस इज चिकन टिक्का रोल एंड लेट मी ट्राई एंड टेल यू। चिकन टिक्का रोल, यू लाइक दिट? फट से चिकन टिक्का रोल खाते हैं एंड मूवी के लिए भागते हैं। जो है वो एकदम टॉप वाले फ्लोर पे है। कुछ ऐसे स्टॉल्स लगे रखे हुए हैं थिएटर के आसपास, हर्बल टैन रिमूवर, बुक्स, एक्सेसरीज, चार्म्स। यहाँ पे ना अक्सर ऐसे स्टॉल्स लगते हैं, जब भी हम आते हैं तभी हमें दिखता है, कुछ ना कुछ रहता ही है। सिनी पुलिस पहुंच चुके हैं। मूवी शुरू होने में और थोड़ा सा टाइम है, तो इसके वजह से थोड़ा सोच लिया कि आपको भी दिखाती हूँ सिनी पुलिस के नज़ारे। हमारी जो है स्क्रीन 6 है। बाय बाय लुल्लू, हमारी शॉपिंग हो चुकी है, मूवी टाइम हो चुका है, अभी घर वापस जा रहे हैं। फाइनली आपको भी दिखा देती हूँ। सर लुल्लू को बाय बाय बोल दीजिए। तो फाइनली शॉपिंग भी हो गई, जैसे मैंने कहा हम निकल गए बाहर। तो इतना देर रुके थे तो कितना हुआ हमको, 110 हुआ पार्किंग फीस। ऑलमोस्ट आई थिंक हम लोग 4 hours के ऊपर तो हो ही गया आके, 2.5 hours का मूवी देख लिया, उसके बीच में शॉपिंग कर ली, तो या तो 110 रुपीज पार्किंग फी हुई। एंड अभी भी जो है सामने मेरे क्लाउडी लग रहा है, कंटिन्यू स्ट्रेट, स्टिल इट इज कंटिन्यू स्ट्रेट मिक्स है। हाँ तो मैं एक्चुअली क्या मूवी का रिव्यू दे देती हूँ। क्या मूवी का नाम? फैलिमी। अगर देखना है, अगर मलयालम नहीं समझ में आती है तो आप सब टाइटल्स के साथ भी देख सकते हैं। 300 meters, I really enjoyed it personally. So obviously मलयालम मूवीज बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ निकलते हैं, कॉमेडी भी है एंड इमोशनल टच भी है, सो इट वॉज रियली नाइस, आई रियली लाइक्ड इट। आई थिंक ही ऑल्सो लाइक्ड इट। डिड यू लाइक इट मूवी? यहाँ पे ना नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट है, ये वाला, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना वो। डेयरी साइंस कॉलेज इन बेंगलुरु, इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्ट्रीट, हैदराबाद। हैदराबाद जाना है तो स्ट्रेट जाना है उस रोड से। बिल्डिंग को देख के ऐसा लग रहा है ये स्टोरेज है, फूड कॉर्पोरेशन का सम बिल्डिंग। बोर्ड तो मुझे दिखा नहीं है वहां पे, क्या है? हेब्बर डिपो लिखा है, बेवरेज कॉर्पोरेशन करके लिखा है वहां पे। देखो दूर ट्विन टावर जैसा कुछ लग रहा है बिल्डिंग। इतने देर के बाद एक खाली थोड़ा सा एरिया, थोड़ा सा पोर्शन। द ट्रैफिक स्टार्ट्स अगेन। वेटरनरी कॉलेज है यहाँ का, वेटरनरी कॉलेज, डेयरी साइंस कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड वेटरनरी। तो आई थिंक अभी वीडियो वाइंड अप कर लेना चाहिए, तो
आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया ऐसा मैं समझती हूँ। अगर पसंद आया है तो जरूर एक लाइक दे दीजिएगा वीडियो को। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, थ्रेड पे, एंड ऑलवेज आपका प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। तो मैं निकी साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूरिमोनियाज मेस्तस। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।